हमारे घुटने में ना खर 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 खटपट खटपट आवाज आने लगी 33 साल की उम्र में। तो आवाज इसलिए आ रही है, हमारे नी के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग रहती है फीमर पे, टीबिया पे, पटेला पे। अब अगर यहाँ से आवाज आ रही है तो मतलब पटेला के पीछे वाला कार्टिलेज स्मूथ नहीं रहा है, वो रफ हो गया तो मतलब घिसने लग गया है। अब जब कार्टिलेज घिसता है तो मतलब हमारा घुटना बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। अब यही अगर चीज चलती रही तो हमें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है लेटर ऑन, और तब तक कोई जिंदगी अच्छी तो रहेगी नहीं। जब तक नहीं करा रहे तब तक भी प्रॉब्लम है, तभी तो आप आए हो यहाँ पे। नी रिप्लेसमेंट के अंदर पटेला रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये अगर रिप्लेस होता तो हर 10-10 साल में कराना पड़ता है, तो डॉक्टर जनरली करते नहीं है, बस उसको ट्रिम कर देते हैं, इससे फीमर और टीबिया करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में बाद भी खर खर पट पटो दर्द रह जाएगा जी, तो ये तो जिंदगी भर के लिए चिपक जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है इसको ठीक करना। अब आपका मानना ये है कि जिम जाने से हो गया, जिम जाने से और जंपिंग जैक से ये पटेला की ट्रैकिंग खराब हो गई, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जिम जाने से घुटने घिस जाते हैं, वो इसलिए घिसते हैं क्योंकि हम जिम में सारी एक्सरसाइजेस करते हैं लेग की, पटेला ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइज मिस कर देते हैं। तो जिम जाने से घुटने खराब होना इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्वाड्रिसेप्स पे फोकस किया, हैमस्ट्रिंग पे फोकस किया, जंपिंग जैक किया, सब किया, जिसमें क्वाड्रिसेप्स अलोन एक्टिवेशन हो रहा है, और हम VMO वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस को भूल गए क्योंकि हमें किसी ट्रेनर ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे यहाँ के ट्रेनर भी तो मैक्सिमम लोग सेल्फ टॉट हैं, 4 यूट्यूब के वीडियो देख लिए, 4 छोटे मोटे कोर्स कर लिए और ट्रेनर बन गए जी। वही जो अच्छा ट्रेनर होगा वो सर्टिफिकेट लेके आएगा बढ़िया बाहर से पढ़ पुढ़ा के, तो वो आपके VMO पे भी ध्यान देगा जितना वो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग पे देगा। अभी चिपक के चल रहा है, तो जैसे ही उठ के चलेगा तो हमारा घिसना बंद होगा, तो हमारा नी रिप्लेसमेंट नहीं जाएगा। अब आप भी जान, तो आज आपने जिम ज्वाइन किया तो 4-5 महीने लगे होंगे ना मसल बनाने में, या 4 दिन में बन गई, तो उतना ही टाइम इसमें भी लगेगा हमारे को। आपने एक बात करी कि इसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, आप जो कर रहे हो वो भी तो एक्सपेरिमेंट है। आपकी जो थॉट्स हैं, जो आप बोल रहे हो कि इस वजह से हुआ है, वो कहाँ प्रूव कर पाए आप? यू शो मी रिसर्च पेपर। मेरा रीजनिंग ये है कि मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, अमेरिका से ही पढ़ा हूँ, यूरोप से ही पढ़ा हूँ, दुनिया, तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरा कोई थॉट प्रोसेस गवर्न कर रहा है तो वो रिसर्च पेपर कर रहे हैं। माई होल एजुकेशन सिस्टम इज बैक्ड ऑन रिसर्च पेपर एंड बुक्स। बुक्स रोज अपडेट नहीं होती। आज मैं बुक पढ़ूंगा, उसका नया एडिशन 5 साल बाद आएगा, उसके बीच की जो स्टडीज है उसका क्या हुआ? तो ऑल द मेडिकल साइंस इज गवर्न बाय रिसर्च पेपर। दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट सही है, कौन सा एक्सपेरिमेंट गलत है, ये चीज को प्रूव करने वाले होते हैं रिसर्च पेपर। जैसे अगर आपकी बात को अगर कोई रिसर्च करना चाहे कि वो मलाई छान के पी जाए या नहीं छान के पी जाए, 100 लोगों को छना के पिलाएंगे, 100 लोगों को ना छना के पिलाएंगे, उनको एक ही तरह की एक्सरसाइज कराएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या रहेगी ताकि को फाउंडिंग फैक्टर्स ना आए, तब जाके प्रूव होगा कौन सा बेटर है। मैंने आज तक ऐसा कोई पढ़ा नहीं रिसर्च पेपर, ऐसा है भी नहीं। तो हम जानते हैं कि ये इसके प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि इसने एक VMO एक्सरसाइज नहीं करी। वी हैव टू वेरी स्पेसिफिक, तभी हम ठीक कर पाएंगे। इसीलिए विदेशी लोग ठीक कर पाते हैं और हम लोग अब ठीक करना चालू किया है क्योंकि हमारी पुरानी धारणाएं हम छोड़ ही नहीं पा रहे आज तक। मेरे पास आएंगे तो मैं धारणाएं छुड़ा दूंगा, आप मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, हम आपको ऑनलाइन सिखा देंगे। सॉल्यूशन नहीं है लोगों के पास, डोंट नो हाउ टू ट्रीट दिस थिंग। मैं इसको दवाई से ठीक नहीं कर सकता, मैं इसको ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकता, हम इसको रिहैब से ठीक करें। आज इसको एक्सरसाइज सिखाएंगे, 7 दिन बाद बढ़ाएंगे, 7 दिन बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। नो मशीन नो मेडिकल। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की जरूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।